हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। ये आपका है COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के प्रयोग की भूमिका की जा रही है उपयोग की। तो देखेंगे कि इससे परिचय देख लेंगे इसका, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है उस पर भी बात करेंगे हम लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस COVID-19 के खिलाफ कारगर कैसे हो सकता है साबित, उस पर भी बात करेंगे। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे और इसकी चुनौतियों को देखेंगे। आगे भी क्या इसकी राय हो सकती है उस पर भी बात करेंगे। एक बात आप लोगों को बता दूं, आपका WHO और भारत भी कह चुका है। आपने देखा होगा, आपके प्रधानमंत्री साहब ने उन इंटरव्यू करके कहा भी था कि कोरोना वायरस से हमारी लड़ाई लंबी चलने वाली है, ये बहुत जल्दी इससे साथ नहीं छूटने वाला है। तो इसके लिए, और आप देखिए, जब से लॉकडाउन खुलने की स्थिति आ रही है, केस बढ़ते जा रहे हैं। कभी हम सुना करते थे कि आज 500 आए, आज 600 आए, अब आपकी 24, 25, 23, 24 हज़ार के करीब केस आ रहे हैं, और अभी तक आपके 7 लाख के करीब केस पहुंच चुके हैं। ठीक है, कितने? 7 लाख के करीब केस हो चुके हैं। आज की बात कर रहा हूं, आज यानी 6 जुलाई को, ठीक है, और 19,693 के करीब मौतें हो चुकी हैं आपकी। ठीक है, और एक बात आप लोग यहाँ याद रखिए कि आपको अब अपने परिवार की व अपनी सेफ्टी खुद रखनी है। कोई सरकार नहीं आ रही है, और किसी भी वैक्सीन का जब तक वैधानिक तरीके से वो प्रयोग नहीं होने लगता है, घोषणा नहीं हो जाती है, WHO जब तक घोषणा नहीं कर देता है, आपकी भारत सरकार अच्छे से नहीं कर देती है घोषणा, तब तक भरोसा मत कीजिए। ठीक है, फिर चाहे कोई भी बोलता रहे कुछ भी, इसका सबसे बचने का तरीका यही है कि आप अपनी सेफ्टी रखिए, और आप अगर सेफ्टी रखते हैं तो आप कुछ नहीं बिगड़ने वाला है आपका। ठीक है, और अब केस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, और जब मुझे नहीं लगता है कि अभी वैक्सीन आई आपकी, बहुत लंबा, कोई भी वैक्सीन आती है तो 1 से 1.5 साल और 2 साल कम से कम लग ही जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसलिए जल्दी वैक्सीन आ जाए, लेकिन 1 से 1.5 साल के पहले किसी भी हालत में नहीं आ सकती है। COVID-19 के खिलाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसी भूमिका निभा सकता है देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI का उपयोग कई स्तरों पर कोरोना वायरस के खिलाफ हो सकता है, और हो भी रहा है। जांच, इलाज और रोकथाम में यह भूमिका निभा रहा है। वैज्ञानिक शोधकर्ता और दवा बनाने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग एक्सपर्ट के साथ मिलकर इस चुनौती को कम से कम समय में पूरी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में मशीनों के प्रयोग से बहुत सारे रोगों का इलाज आसान हुआ है। मशीनों के बाद अब मशीनी बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग धीरे धीरे चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ रहा है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग से कैंसर और अल्जाइमर जैसे रोगों की शुरुआत में ही पहचान करना आसान हो गया है। आज जिस तरह से बुद्धि है आपकी, दिमाग है आपके पास, इस तरह से कृत्रिम यानी कि बनाने की बुद्धि की जा रही है, कृत्रिम तरीके से, समझ रहे हैं। विदेशों में मेडिकल केयर के क्षेत्र में इस तकनीक का इस्तेमाल आजकल बड़े स्थान पर किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर, लेकिन भारत में डॉक्टर इस तकनीक के प्रयोग से घबराते हैं। जानकारों का मानना है कि इस तकनीक के आने से चिकित्सा की जरूरत नहीं खत्म होगी, ये तकनीकी डॉक्टर की मदद करेगी जो डॉक्टर को निर्णय लेने इलाज के संबंध में मदद करेगी। आप समझ रहे हैं कि अभी कई जगह आर्मियों में भी आपने देखा है कि इस तरह के रोबोट तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रोबोट भी उपयोग होने लगे हैं, समझ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है कि बनावटी तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। इसके जरिए ऐसा कंप्यूटर सिस्टम या फिर रोबोटिक सिस्टम तैयार किया गया जो उन्हें तर्कों के आधार पर चलने का प्रयास करता है, जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क चलते हैं। सामान्य शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो है जो इंसानों के निर्देश को समझे, चेहरे पहचाने, खुद से गाड़ियां चलाए या फिर किसी गेम में जीतने के लिए खेले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी कई तरह से मदद करता है, जैसे एप्पल का सीरी या माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना, ये दोनों हमारे देश निर्देश पर ही कई तरह के काम करते हैं। बहुत से होटलों में रोबोट मेहमानों की मेजबानी करते हैं। आप समझ सकते हैं कि रोबोटों का प्रयोग करके हम वहां तक पहुंच जा सकते हैं जहां इंसान
नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, जहां इंसान यानी कि हमारा इंसान पहुंचना संभव भी नहीं होता है, वहां तक भी इन्हें भेजा जा सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? अब आप सोचिए कि दिल्ली में बैठा हुआ डॉक्टर किसी ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल में ऑपरेशन करना है, तो वहां से वो निर्देश दे देगा या ये काम कर लेगा, तो इससे हमारी क्षमता बढ़ सकती है। ठीक है, आज ऑटोमेटिक कारें बनाई जा रही हैं, इसी तरह बहुत से कंप्यूटर प्रोग्राम जो कई फैसले करने में हमारी मदद भी करते हैं, जैसे गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी डीप माइंड ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट पर काम भी कर रही है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त मशीनें इंसान की सर्जरी तक कर रही हैं, वो इंसान के शरीर में तमाम बीमारियों का पता भी लगाती हैं। समझ रहे हैं, बहुत आगे निकल रही है दुनिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस COVID-19 के खिलाफ कारगर कैसे साबित हो सकता है कोरोना वायरस की? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले के दौर में कोई नई वैक्सीन या दवा बनाने में सालों का वक्त लगता था, किंतु बदलते वक्त के साथ AI ने यानी कि आर्टिफिशियल ने कोरोना वायरस की दवा की खोज पर काम हो रहा है। उन दवाओं में संभावना तलाशी जा रही है जो अभी दूसरी बीमारियों में उपयोग होती है। इसके अलावा वैज्ञानिक कोरोना वायरस की बायो केमिस्ट्री को AI से समझ रहे हैं। संक्रमित लोगों के CT स्कैन में फेफड़ों में नए नए पैटर्न पड़े जा रहे हैं ताकि ज्यादा सटीकता से रोग का पता लग सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रेडियोलॉजी के क्षेत्र में काफी मदद मिलेगी। इस तकनीक के द्वारा किसी व्यक्ति में बीमारी की शुरुआत से पहले ही इसका पता लगा लिया जाएगा, जैसे व्यक्ति में उस रोग की संभावना को ही खत्म किया जा सके। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में एक तकनीक बहुत ही जरूरी हो सके। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का हम लोग माने अगर उनकी, तो AI+ COVID-19 टेस्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित है। ये टेस्टिंग 5 मिनट के भीतर बता सकता है कि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं। लक्षण वाले और बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित की टेस्टिंग में सरकारी अस्पतालों में इस अलग और सस्ते रैपिड डिटेक्शन टेस्टिंग में सॉल्यूशन की सफलता की दर करीब 98% है। जिस मामले में व्यक्ति को फेफड़े से जुड़ी अन्य समस्याएं हैं उनसे इस तरीकों से COVID-19 टेस्टिंग की सफलता दर करीब 87% है। कोरोना महामारी के संदर्भ में AI को 3 क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है: वायरस अनुसंधान, दवाओं और टीका के विकास में, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों पर सेवाओं और संसाधनों के प्रबंधन में, डेटा के विश्लेषण में। गौरतलब है कि हेल्थ केयर सुविधाएं कोरोना के प्रकोप से जूझ रही हैं, इसलिए AI प्रौद्योगिकियां हेल्थ केयर के संचालन की दक्षता और सटीकता में सुधार करती हैं। AI तकनीक मनुष्य के विपरीत एक ही समय में बड़ी मात्रा में काम पूरा कर सकता है, उन्हें हमारी तरह विराम लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही AI द्वारा मानवीय गलतियां करने का खतरा नहीं है। कई अस्पतालों ने संक्रमण से बचने के लिए AI युक्त रोबोट का प्रयोग करने पर विचार किया है ताकि स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा की जा सके। AI तकनीक का उपयोग वायरस के बारे में संरचना और अन्य जानकारी की खोजने के लिए किया जा रहा है ताकि जल्द ही एक वैक्सीन मिल सके। जानवरों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने से पहले रसायनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने और उनके मॉलिक्यूलर डिजाइन बनाने में भी सालों का वक्त लग जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन लर्निंग के इस्तेमाल से इस काम को सालों की बजाय अब कुछ ही दिनों में पूरा कर लिया जाता है। आप समझिए कि अब आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदलाव देखने को आपको मिलेगा। आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे आपके आपके जैसा ही रोबोट, मतलब कोई फर्क नहीं देखेगा। आप बुढ़ापे में एक रोबोट बनवा लीजिए और उससे अपनी सेवा करवाइए, आपके बच्चे नहीं करते हैं तो वो भी इस तरह से। आप देखिए कि बॉर्डर पर अगर सैनिकों को भेजने में परेशानी हो रही है उन्हें ही भेज दीजिए। कहीं आप देखिए सिग्नलों पर खड़े होने में जो भी परेशानी है रोबोट को खड़ा कर दीजिए। हर जगह अगर संभव हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इस तरह ही सुविधाएं हो जाएंगी। अभी भी कई जगह आपने देखा है कि ट्रैफिक में भी इसका उपयोग होने लगा है रोबोट का। आगे बात करते हैं भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करने वाले नीति आयोग ने 2 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के मुद्दे पर राष्ट्रीय नीति डिस्कशन पर पेपर बनाया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑलस नाम के इस पेपर में 5 क्षेत्रों को महत्वपूर्ण माना गया: हेल्थ केयर, कृषि,
शिक्षा, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी यातायात। साल 2015 में स्वास्थ्य सेक्टर में तकनीक इस्तेमाल करने के लिए, इसे सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय ई हेल्थ अथॉरिटी बनाने का भी प्रस्ताव था। जानकार मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नेतृत्व लेने के मामले में अभी भारत कोसों दूर है। एक मजबूत राष्ट्रीय नीति और जरूरी कानूनों के अभाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग तो बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सुनियोजित तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत ना तो चीन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है और ना ही करेगा। रिपोर्ट कहती है कि गैर चीनी और गैर पश्चिमी बाजारों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केंद्र के रूप में खुद को विकसित करेगा। ये पहला और महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इस पर कई अब तक कोई मजबूत काम नहीं हुआ है। चुनौतियां क्या क्या हैं इसके सामने, उसे भी देख लीजिए। मशीनों में आंकड़े भरकर उनके नतीजे निकालने को कहा जाता है, मगर कई बार आंकड़ों का हेर फेर इन मशीनों को गलत नतीजे निकालने की तरफ धकेल सकता है। ऐसे में हम स्मार्ट मशीनों की गलतियों के शिकार बन सकते हैं। आज की तारीख में मशीनें बीमारियों का पता लगाने से लेकर इंसानों के अपराधी बनने की आदत तक का पता लगा रही है। ऐसे में हम मशीनों से हमेशा सही जवाब की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों को लेकर चेतावनी दे चुके जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ने अब तक हमारे जीवन को आसान बनाया और हमारी मददगार रही है, लेकिन अगर हम रोबोट को इंसान की तरह ही सब कुछ सिखा देंगे तो वो इंसान से स्मार्ट बन जाएंगे और फिर हम इंसानों के लिए मुश्किल पैदा कर देंगे। आपने देखा होगा एक मूवी है साउथ की, उसमें आपके रजनीकांत साहब हैं, वो रोबोट बनाते हैं। आपने देखा होगा अपनी कॉपी, बिल्कुल उसमें आपने देखा होगा कि वो उनकी जगह ले लेता है, किस तरह से हावी हो जाता है उनके ऊपर, देख रहे हैं, उनमें भी भावना उत्पन्न होने लगती है। ऐश्वर्या राय हैं उसमें, और मैं अगर गलत नहीं हूं तो सही तो यही है दोनों। और आपकी मूवी का क्या नाम है, चिश्ती नाम रहता है उस रोबोट का, आप लोगों ने देखी होगी, नाम याद नहीं मुझे, अगर आपको याद हो तो नीचे लिख दें कमेंट बॉक्स में, ठीक। आगे की राय क्या हो सकती है, अभी तक COVID-19 से मृत्यु दर और संक्रमण का दर विश्वसनीय आकलन मिलना मुश्किल है, लेकिन ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसकी मृत्यु दर दूसरी संक्रामक बीमारियों जैसे SARS या फिर मार्स या खास तौर पर इबोला के मुकाबले निश्चित रूप से कम है, इसलिए बीमारी पर काबू पाने इसलिए बीमारी पर बीमारी पर काबू पाने के लिए उपाय और जैसे लॉकडाउन के दौर दूसरे उपायों पर ध्यान रखा जाना चाहिए। इस बात में ज्यादा शक नहीं है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती या फिर बेहद सख्त कदम नहीं उठाए जाते, आबादी का एक बड़ा हिस्सा आखिरकार संक्रमित हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा था शुरू में, ये रोबोट नाम है उसका मूवी का, याद माफ करिए रोबोट ही नाम है शायद, ठीक है, देखना अच्छी मूवी है, आपको पता चलेगा कि जिंदगी में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्तमान में और साथ ही भविष्य में वैश्विक महामारियों के प्रति मदद करने के लिए बहुत बड़ा दायरा है। डेटा के माध्यम से विश्लेषण करना और रोगों की प्रगति की भविष्यवाणी करना, रोबोटिक्स और डेटा विजुअलाइजेशन NLP आदि शोधकर्ताओं को काफी मदद कर सकते हैं। AI में न केवल इस महामारी का मुकाबला करने में मदद करने की क्षमता है, बल्कि भविष्य में अनुसंधान में सहायता करने की भी क्षमता है। जानकार मानते हैं कि अब जब दुनिया के 180 से अधिक देशों के सामने कोरोना महामारी से जंग करने की चुनौती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इसमें अहम साबित हो रही है। भारत में जहां सीजनल स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी आम बात है, वहां बड़ी संख्या में लोगों की जांच में ये बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने साबित किया है कि इंसानों की अपेक्षा वो अधिक तेजी और बेहतर तरीके से काम कर सकता है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, हमारी तुलना नहीं हो सकती अमेरिका से। आप यहीं से सोच लीजिए कि आपके यहाँ का 1 रुपया वहां का आपके यहाँ का 70 से 73 रुपया वहां का 1 रुपया बराबर है $1, समझ रहे हैं?
और आपने देखा होगा हमसे कई गुना उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, हमसे कई गुना स्थिति हमारी उनसे खराब है, उनकी स्थिति हमसे कई गुना अच्छी है। आपने देखा था एनसीईआरटी में कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि हमारे यहाँ उस व्यक्ति को गरीब कहा जाता है जो एक वक्त के दो वक्त की रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, वहां उस व्यक्ति को गरीब कहा जाता है जो एक फॉर्चूनर यानी कि 32 से 35 लाख की गाड़ी खरीदने की औकात नहीं रखता है, उसे गरीबी में काउंट किया जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि जमीन आसमान का फर्क है। फिर देखिए कि वहां की अर्थव्यवस्था इससे इतनी बुरी तरह से प्रभावित हुई है कि खासी मतलब जितनी खस्ता हालत हो सकती थी हो चुकी है अमेरिका की। बैटन की आप देखिए, तो आप समझ रहे हैं कि अभी लंबी लड़ाई चलेगी इसके साथ और अभी पता भी नहीं है कि क्या होगा आगे। आप कोरोना की महामारी हमारे यहाँ अगर फैलना शुरू, अच्छे वैसे भी तो आप शुरू हो ही गई, तो इसीलिए अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी ये खत्म होने वाली है, कि जिस रफ्तार से आपके केस बढ़ रहे हैं इसे देखते हुए लंबी लड़ाई चलेगी और हमारा देश बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पहले से ही खराब स्थिति में थी और जितनी उसमें कमी रह गई थी वो कोरोना वायरस ने पूरी कर दी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले आर्टिकल में।